आज मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का, हमारे जो भाई बंधु आप यहाँ पर पहुंचे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आज आपको बुलाने का खास मकसद और उद्देश्य ये है, और जो आने वाली 1 सितंबर है 2024, उसमें इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का हिसार में अधिवेशन होने जा रहा है। उस अधिवेशन में पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हम जाकर के लोगों को निमंत्रण देने लग रहे हैं, और आप सभी मीडिया साथियों के साथ मिलकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर के सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश के लोग पहुंचेंगे, उसके साथ लगते हमारे जो प्रदेश उत्तर प्रदेश उससे भी लोग आएंगे, महाराष्ट्र पुणे से लोग आएंगे, राजस्थान से लोग आएंगे, और जो हमारे जो विदेशों में रहते हैं हमारे साथी वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। आज तक हमारे जितने भी जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम, चाहे वो हरियाणा के अंदर हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बेंगलुरु में हुए, गुजरात के अंदर हुए, राजस्थान में हुए, चाहे विदेश की धरती ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में हुए, हम सभी को इनमें खास उद्देश्य ये रहता है, कला शिक्षा साहित्य रोजगार सर्जन के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों का इतिहास पहुँचाने के लिए काम करते हैं लगातार। और पिछले हमारे जो प्रोग्राम था मेरठ में, हमने उसमें एक मांग रखी थी, हमारे जो पूर्व मेरे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न देने के लिए मांग करी थी, वो सरकार ने हमारी मांग मांगी और आप सभी लोगों के सहयोग से हमारी बात मांगी गई। अब की बार जो हमारा हिसार में अंदर जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में भी हम दीन बंधु रायबरे आजम सर छोटराम जी को भारत रत्न देने के लिए मांग रखेंगे। हम आप सभी का सहयोग इसके लिए मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश और समाज को सुधारने के लिए और किसान वर्ग को जागृति पैदा करने के लिए सर छोटराम ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। उन्हीं के लिए हमने भारत रत्न की मांग अब आने वाले इस अधिवेशन में मांग रखेंगे। हम आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी तक, लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, हमारे जो जाट समाज के साथ साथ जो हमारी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, हम उन सबको आपस में समन्वय बना के रखना है, और बिरादरी के लिए एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए आप सभी ने आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान की राजनीति है वो हमारे को बांटने का काम करती है, एक दूसरे को आपस में दूर करने का काम करती है। परंतु हमने अपने 36 बिरादरी का जो पहले वाला भाईचारा होता था हमारे गांव गुवांड में, जो पुरानी पारिवारिक तौर पर हमारी जो पद्धति चलती आ रही है, उसमें हमने 36 बिरादरी का साथ हमेशा लेकर के चलते थे। अगर कोई किसान खेती करता है तो उसमें सारी की सारी बिरादरी एक दूसरे का सहयोग करती है, चाहे वो खेती के रूप में करते हो, चाहे आगे रोज बढ़ने के रूप में काम करती है। उसी रूप में हमने 36 बिरादरी को समन्वय बनाने के लिए और समाज को जागृति पैदा करने को, लोगों को सहयोग करने के लिए हमने जाट पार्लियामेंट का अधिवेशन अब की बार हिसार में रखा हुआ है। अधिवेशन से कितना फर्क महसूस करते हैं आप? इससे ये बताना चाहूँगा, कम से कम जैसे हमने बुलावा देते लोगों को, और काफ़ी लोग समाज के जो प्रबुद्ध लोग वहाँ पर आते हैं, पता नहीं किस कुर्सी पे कौन सा व्यापारी वहाँ पर बैठा है, पता नहीं किस कुर्सी पर वहाँ राजनीति का वो कोई व्यक्ति बैठा है, कोई बिजनेसमैन के रूप में बैठा है, कोई विदेश के आने वाला स्टूडेंट बैठा है, उनका आपस में समन्वय इस रूप में हो जाता है कि वो आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं सुधार की ओर पैदा करते हैं। और वहाँ पर हम चिंतन और मनन करते हैं हमारे महापुरुषों के इतिहास को। अगर कोई भी कौम आगे बढ़ती है तो उसका इतिहास मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वही कौम आगे सफलता मिलती है। और हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के रूप में भी हर वो कदम उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शेरनी का दूध वो शिक्षा है, अगर जो भी इसको पिएगा वो आगे दाढ़ेगा, इसलिए हम शिक्षा पे जोर है, रोजगार सृजन पे लोग और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुख्य अतिथि को जो हमारे समाज के लोग जो किसी भी रूप में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हर वो व्यक्ति वहाँ पर मुख्य अतिथि होगा जो समाज को आगे बढ़ाने के रूप में करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के रूप में हो, जो हमारी बहन निशा दैया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे किस रूप में भी समाज को एक मैसेज देने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, हम सबको इन्वाइट उस प्रोग्राम में करने लग रहे हैं। जिसका भी जो समय होगा, जो वहाँ पर पहुँचेगा, उसका पुरजोर तरीके से हम स्वागत वहाँ पर करेंगे। कार्यक्रम कौन सी जगह पर होगा सर? अब की बार ये कार्यक्रम हिसार के अंदर रणबीर सिंह ऑडिटोरियम है हिसार में, वहाँ पर हमने 1 तारीख 2024 को ये प्रोग्राम रखा है। कितना संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे होंगे? देखो जी, हमने जो जाट समाज के, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं, चाहे वे विदेश के लोग हैं, चाहे आसपास की स्टेटों के लोग हैं, हमने सबके वहाँ पर आने की, रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था, खाने की हमने वहाँ व्यवस्था पूरी अच्छे तरीके से की हुई है, क्योंकि इसमें मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, हमारे जितने भी जो अलग अलग टीम है, अलग अलग जिले की, स्टेट की, सारी वो लोग अपने मन से, दिल से उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए लगी हुई है। सोनिया जी, आप भी महिला विंग की अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी महिलाएं वहाँ?
तक अगर कोई भी मंच आगे बढ़ा है तो वो गैर राजनीतिक तौर पर ही आगे बढ़ा है, और ये हमारा जो मंच है इसमें ये जरूर है कि जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक तो जरूर होंगे, परंतु ये मंच गैर राजनीतिक है। हमने गैर राजनीतिक तौर पर लोगों के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं, परंतु आते सभी पार्टियों के हैं। हम इसमें चाहे ऐसा कोई फ्रेज नहीं रखते, किसी भी पार्टी को निमंत्रण ना देते। अगर समाज का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में किसी भी दल में है, हम सबको उसमें आमंत्रित करने की काम करते हैं। इसमें देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस रूप में पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अगर सभी की भावना ये थी अगर वहाँ पर जो खेल के अंदर कोई वजन का मामला आया है उसमें अगर पूर्ण जांच करने के बाद जो फैसला उन्होंने दिया है, परंतु ये मानना चाहूँगा मैं कहीं ना कहीं हमारी बहन ने वहाँ तक इतनी दूर पहुँची है, उसने जीत भी ली है, और जीतने के बाद ऐसा फैसला लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को दुखी मन होता है, और पूरा प्रदेश विनेश के साथ है। आपने उनके आने के बाद आपने देखा भी होगा किस रूप में पूरे प्रदेश में उनके स्वागत और उनके सम्मान में लोग आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जो ये जाँचें होनी थी ये जाँचें पहले हो जाती तो बहुत बढ़िया थी, अगर किस रूप में अगर ये जाँचें बाद में की जाती और जीतने जाते हैं इससे मनोबल तो कहीं ना कहीं ये सरकारें अगर अच्छा उनका सपोर्ट करती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। क्या आपकी तरफ से भी विनेश फोगाट को आमंत्रित किया गया? बिल्कुल जी, मैं तो बताने लग रहा है हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हम उन सभी को निमंत्रण देने लग रहे हैं। हमने उनको भी निमंत्रण दिया हुआ है, अगर वो वहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आएंगी तो उनका पूर्व अच्छे तरीके से स्वागत भी किया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आपस में समन्वय बना के रखना है और सारी बिरादरी एक दूसरे से मिलकर ही काम चलेगा। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ जाट समाज का हम प्रोग्राम करते हैं, हर कोई बिरादरी अपने समाज के लिए काम करती है और आगे बढ़ती है, परंतु हमारा कभी भी किसी भी मंच पर किसी भी बिरादरी का आज तक कोई बुराई नहीं की है। हम तो ये मैसेज देने का काम करते हैं 36 की 36 बिरादरी आपस में मिलजुल करके अपने समाज को एक वही मैसेज देने का काम करो जिस रूप में हम पहले अपनी पुरानी पीढ़ी के रूप में अपन काम करते थे, चाहे वो किसानी के रूप में करते हैं चाहे व्यापार के रूप में काम करते हैं, सभी एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़ने की समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है।